वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और अभी हो रही एकदम सुबह सुबह, और सुबह सुबह मैं उठ के जब मैंने देखा तो आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, तो आज लग रहा है दिन अच्छा होगा। लेकिन कोई भरोसा नहीं है यहाँ के दिन का, क्योंकि कभी भी हो जाती है बारिश। लेकिन फिर भी देखते हैं आज क्या होने वाला है। दोस्तों सुबह सुबह का समय है और काफ़ी अच्छा जो है वो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि कैसा लग रहा है सुबह सुबह यहाँ पे। और ये सूरज की रोशनी जो है बहुत ही तेज आ रही है, और कुछ ऐसा दिख रहा है आज का सुबह सुबह का व्यू। और ये देखिए पंछी वगैरह भी जो है वो उड़ रहे हैं। एकदम काफ़ी सुंदर सा लग रहा है सुबह सुबह, क्योंकि आज धूप निकली हुई है। और ये पहाड़ वगैरह भी देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं आज। वाओ, ये देखिए, और सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट हम तक पहुंच रही है सुबह ही सुबह। अभी सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं और तब ये हाल है, जबकि कभी कभी तो पूरे दिन हो जाता है जब सिर्फ बारिश या फिर बादलों के बीच रहना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं ज़रा बाहर मार्केट में, आप देख सकते हैं। और ये देखिए पानी का नज़ारा, और बाकी आज धूप अच्छी निकली हुई थी सुबह। अभी भी हल्की हल्की धूप निकली हुई है, और हम लोग जा रहे हैं चश्मे की दुकान पे, बिकॉज हमें लेना है चश्मा। और वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके की जो चश्मे हैं, किस वैरायटी के वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये रहा वो चश्मा जिस चश्मे को हम लोग लेने गए थे, और वहाँ पर मैं वीडियो बनाना भूल गया, इसलिए वहाँ की वीडियो में नहीं बना पाया। बाकी एक चश्मा तो हम लोग लेके ही आ गए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आए हैं छत पे, ताकि हम लोग ऊपर का जो नज़ारा है वो देख सके। सुबह एक बार आए थे, उसके बाद फिर से आए हैं। अभी लगभग 4 बजने वाले हैं अभी, और 4 बजे के आसपास जो है ऐसा हल्की हल्की जो है एकदम बारिश ऐसा लग रहा है कि शायद होगी बारिश। अभी पड़ भी रही है 1-2 बूंद, लेकिन जो पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर धूप पड़ रही है अभी भी, क्योंकि वहाँ की जो ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे हैं पहाड़ों के ऊपर, वो चमक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरे से, वो जो ऊपर का दिख रहा है रीजन, दरअसल वही जो एरिया है वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे धूप पड़ रही है। मैं दिखाता हूँ। और बाकी इस साइड जो पहाड़ सुबह दिख रहे थे हमें इस साइड में, वो अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा बादल ने जो है घेर लिया है उसे। ये देखें दोस्तों कुछ ऐसा दिख रहा है इस टाइम पर, जबकि इस साइड अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने ही वाली है, बस अब आ ही गई है बारिश, बस ऐसा लग रहा है। और इस साइड में देखिए अभी कैमरे में उतने अच्छे से शायद कैप्चर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे एकदम ग्रीनरी एकदम चमक रहा है, हरा हरा पूरा। जब रोशनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा तब इस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये और बारिश की भी एक आध बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, और इधर के तो पहाड़ एकदम दिखने ही बंद हो गए हैं, क्योंकि ये जो बादल हैं प्यारे प्यारे इन्होंने ही पूरा गायब कर दिया है ऐसा लग रहा है। दोस्तों अब हम लोग को लगी है भूख, और भूख मिटाने के लिए हम लोग बना रहे हैं दाल चावल, और ये रही दाल, और उसको सौंपने के लिए यह रही उसकी सामग्री जिसको हम लोग बस अभी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद इसके अंदर दिखेगी है पैक पूरा मिर्च, खड़ी खड़ी दिख रही है क्योंकि हम लोग बड़े तीखा पसंद करते हैं खाना, इसलिए अभी हम लोग इधर खाना बना रहे हैं। और इधर देखिए अभी जो है ब्लॉग बना रहे, और ये देखिए बाहर क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा। और सोचे हम लोग इतने भूखे एकदम व्यक्ति हैं जो इस टाइम पे बना रहे हैं सब। दोस्तों अभी हो चुकी है शाम, शाम के बज रहे हैं अभी लगभग 6:10 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तभी हो रहा है। और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, क्योंकि हल्की हल्की जो है थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। और जो पहाड़ हैं वो आप देख सकते हैं पीछे क्या हालत हो गई है, जो ऊपर वाले जो पहाड़ थे यहाँ पे वो सब बादल की वजह से नहीं दिख रहे, जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बादल मतलब सॉरी पहाड़ नहीं है, बादल की वजह से सब छुपा हुआ है। और बाकी आप देख ही सकते हैं, अच्छी बात यह है कि आज बारिश हम लोगों को देखने को नहीं मिली है अभी तक, इसलिए अभी तक बोल रहा हूँ क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो जाती है यहाँ पर, कोई भरोसा नहीं है बारिश का। ये देखिए ये है पहाड़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, इसके ऊपर वाले जो हैं बादलों में छुपे हुए हैं अभी भी, इसी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। और वो देखिए
वो है शहर बसा हुआ है पहाड़ों के ऊपर, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों अब रात होने वाली है क्योंकि अब बज रहे हैं लगभग 7, और अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। अब मिलेंगे वापस से एक नए ब्लॉग में कल, लेकिन तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है दिखने में शाम के वक्त। और इसके अलावा मैं आपको स्टेडियम दिखाता हूँ कि स्टेडियम इस टाइम पे कैसा लग रहा है। हालांकि इतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट डेफिनेटली दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो हम देखे थे हमारे से स्टेडियम लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा दिख रहा है इस टाइम पे स्टेडियम। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा दिख रहा है स्टेडियम इस टाइम पे। और बाकी ये देख सकते हैं पहाड़ों पे लाइट लगभग जल गई है, यानी कि लोग अब जो है रात का मौसम, रात में काफ़ी अच्छा लगता है जब सब लोग लाइट जलाते, ऐसा लगता है जैसे हर रोज़ दिवाली, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर लाइट जब जलती है सबके घरों के, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में यहाँ पे। और ये है स्टेडियम, आप लोग देख सकते हैं ये लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही है एक्चुअल में, 3 किलोमीटर होगा नहीं, बट ये घुमावदार रास्ता है यहाँ पे, इसी वजह से ऐसा दिखता है कि मतलब ऐसा लगता है हम लोग को काफ़ी दूर है। बाकी इन्हीं वादियों के साथ छोड़ के जाता हूँ, फिर इन्हीं वादियों में मिलूँगा कल सुबह।